सोनालिका DI42 ट्रैक्टर, सेल्फ है मैग्नाटोन चाइनीज़ कंपनी, जिसकी बेंडेक्स बाहर आ गई है और ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है। बेंडेक्स घूम रही है लेकिन ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम सेल्फ का ऑपरेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको सही किया जाए। देखते हैं क्या होता है। हमने हाउसिंग खोल लिया है, ये देखिए यहाँ पे इसकी स्प्रिंग और लॉक कटोरा जो है वो टूट गया है, इसकी वजह से ये बेंडेक्स बाहर आ गई है। ये देखिए यहाँ पे लॉक रहता है, ये स्प्रिंग इस तरह से लगती है और ऊपर लॉक लगता है जिसमें लॉक स्टॉपर रहता है। लॉक स्टॉपर इसका टूट गया है जिसकी वजह से ये बेंडेक्स बाहर की तरफ ही रह गई है। ये बेंडेक्स इस कंडीशन में रहती है लेकिन ये बाहर रह रही थी और ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने इसे खोला है। अब ये बेंडेक्स जो है 1000 रुपये के अप्रोक्स आती है, लेकिन सिर्फ 1 लाख की वजह से इतने पैसे लगाना ठीक नहीं। इस वजह से मेरे पास एक बेंडेक्स पुराना पड़ा है जिसका लॉक मैंने खोल लिया है, लॉक कटोरा और स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग भी डिस्टर्ब हो गई है। स्प्रिंग को थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा ताकि वो लॉक में सही साथ बैठ जाए। प्लायर की मदद से हम स्प्रिंग लॉकर स्टॉपर को बेंड करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से लॉक को बिठाएंगे। लॉक को बिठाने में ध्यान रहे कि लॉक प्रॉपरली बैठे, वरना ये वापस लॉक निकल जाएगा और हमारी बेंडेक्स ख़राब हो जाएगी। अच्छे से देख लें, उसके बाद गियर पे, बेंडेक्स गियर पे ग्रीस अप्लाई करें। फिर हमने वापस फिट कर दिया है और हाउसिंग भी फिट करके 5 नंबर एलंकी से, इसमें 4 बोल्ट आते हैं एलंकी बोल्ट, वो कस दिए हैं। हमारा सेल्फ रेडी है। एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी बेंडेक्स सही वर्क कर रही है या नहीं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं। आपका 1 सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेशन देगा और मैं ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। हमने सेल्फ कस दिया है, अब देखते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। ये देखिए ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय।